बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र BSc सेकेंड ईयर में है और जूलॉजी का यहाँ सेकेंड पेपर लेके आए हैं, और मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आपको देखकर आप यूपी की ऑल यूनिवर्सिटी किसी से यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि लगभग मैं बता रहा हूँ जो पॉपुलर यूनिवर्सिटी है यूपी की वो 70 यूनिवर्सिटियाँ हैं और सभी का सिलेबस लगभग मैं बता रहा हूँ कि सेम ही है। बस इतना दे रखा है कुछ टॉपिकों को वहां से कम कर रखा है, कुछ टॉपिकों को आगे पीछे कर रखा है और कुछ पेपरों को क्या कर रखा है ऊपर। मतलब पहला पेपर जैसे किसी ने देखो कुछ, जैसे आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी को ले लो, उसमें क्या कर रखा है पहला पेपर उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री कर रखा है और यूनिवर्सिटी ने पहला पेपर इनऑर्गेनिक कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने दूसरा पेपर ऑर्गेनिक रखा है और लास्ट वाला इनऑर्गेनिक रखा है गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने। लेकिन और यूनिवर्सिटी है XYZ ले लो, जैसे कि आपका अवध यूनिवर्सिटी ले लो या फिर आप ले लो जिसे कहते हैं बनारस यूनिवर्सिटी, जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ले लो या फिर महात्मा गांधी ज्योति रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वाली ले लो, मेरठ यूनिवर्सिटी ले लो इन यूनिवर्सिटी का या फिर आगरा यूनिवर्सिटी ले लो। इन यूनिवर्सिटी का क्या है कि इनका पहला पेपर इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा क्या है फिजिकल केमिस्ट्री है। तो अलग अलग तरीके से है, मतलब देखो पेपर में सब कुछ वही है, नाम वही है, सब सिलेबस वही है, लेकिन क्या कर रखा है उन्होंने पहला पेपर को लास्ट पेपर पहला पेपर। ऐसा ही सेकंड पेपर मैं दे रहा हूं यहां, हो सकता है तुम्हारे यूनिवर्सिटी में ये थर्ड पेपर हो या फिर फर्स्ट पेपर हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये कर रहा है कि जिस भी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पेपर में ये जो क्वेश्चन मैच कर रहा है बस उनमें टिक लगा लेना है। और मैं आपको यूपी की ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कोई आपको फेल करने वाला पैदा नहीं है। इन क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाना, सच बता रहा हूं, समझ रहे हो ना, ध्यान से देख लो मेरी बात को, समझो क्या करना है। बुक, गैस पेपर, नोट्स जो भी आपके पास है ओपन कर लो, नहीं है ना तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करो और नोट्स को फ्री में डाउनलोड करो। फ्री जानते हो ना, फ्री किसे कहते हैं, फ्री में डाउनलोड करो, फ्री में। कहां से? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर का लिंक कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, हमारी वेबसाइट का लिंक, नाम या पेपर सिर्फ गूगल पर सर्च कर लो, क्रोम पर सर्च कर लो, paperhacker.in। क्या सर्च करोगे बेटा? पेपर हैकर, ठीक है, paperhacker.in। डॉट लगाओगे बीच में और लगा दोगे, स्पेस नहीं देना यहाँ बीच में, paperhacker.in लगाना है बस। गूगल पर सर्च कर लो paperhacker.in, वहां टच करना है। नीचे आप जाएंगे, थोड़े से नीचे जाएंगे, वहां BSc फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरीके से आप जिस भी क्लास में उस पर टच कर देना, हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, बीए, बीएससी, बीएलएड, डीएलएड, जो कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, या फिर आप डी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा का फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, सबके नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी हम आपको बिल्कुल मुफ्त में, समझ रहे हैं। तो ये है सबसे चीज, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना है। प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा, देखो आपको क्या है इस पर दो टाइप के लिंक दे रखे हैं, एक तो है प्ले स्टोर का। जब प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो प्ले स्टोर में क्या होगा, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वो भी फ्री में, ठीक है, आराम से पढ़ो। आप ये चाहते हैं कि जो सर की पीडीएफ है वो मेरी हो जाए हमेशा के लिए, कहते ना मेरी हो जाए, तो यार आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो साइट पर ई बुक को डाउनलोड करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, और आप चाहते हो केवल मैं आपको ई बुक को पढ़ूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है उसे, मुझे अपना नहीं बनाना है, सिर्फ यूज करना है, तो यूज आप फ्री में कर सकते हैं, सब कुछ वही मिलेगा। आप अपना बनाना चाहते हैं तो उसमें अपने बनाने वाला भी लिंक दे रखा है, मतलब हम आपको दोनों टाइप से मदद कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, चलो स्टार्टिंग करते हैं। और पेपर हैकर डॉट इन जो वेबसाइट आएगा उसके नीचे फॉलो का बटन आएगा, फॉलो कर लेना, अलाउ कर लेना, जिससे क्या होगा कोई भी नोटिफिकेशन उस पर डालेंगे, कोई भी ई बुक नहीं डालेंगे, धड़ाक से आपके पास पहुंचेगी कि भाई देखो ये पढ़ा है, देख लो, तो वो चीज़ें आपको सबसे नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आप बात बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर वाले के लिए जूलॉजी के सेकंड पेपर के बारे में। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, बस अपने बुक को अब तक आपने ओपन कर लिया होगा, ऑन कर लिया होगा, पेज को पलटो फटाफट और टिक लगाओ, जो जो क्वेश्चन दे रहा हूं वही क्वेश्चन को देखना है, बाकी आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। और क्या करना है, एक दो क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं इसमें तो आपको क्या करोगे, एक दो क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो क्या करोगे, उनके जगह पे जो आपको अच्छा लगता है कि इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके हिसाब से, तो उसको एक बार पढ़ लेके चले जाना, क्या दिक्कत है, और वो आ गया तो उसको बना बना के कर देना। कोई भी क्वेश्चन आपसे वंचित हो जाता है, मान लीजिए वो नहीं भी आता है, तो आप उसको बना बना के कर देना, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं फटाफट, पहले क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे। देखो ओरिएंटल परिमंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक होता है ऑस्ट्रियल परिमंडल, दोनों जागती की उत्पत्ति
ठीक है, स्पेशल ऑर्गन एक्सप्लेन करना है आपको, जाति की उत्पत्ति मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, हर बार में पूछा गया है, और कल भी जो आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन बना था। 84% फंसा था वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। जब तक आप मुझे पेपर नहीं भेजोगे मुझे कैसे पता चलेगा क्या क्या आ रहा है पेपर में? आप मुझे पेपर को भेजो, आप यूपी के किसी यूनिवर्सिटी से हैं, 70+ यूनिवर्सिटी यूपी के अंदर लॉन्च है, मतलब पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप हमसे संपर्क करिए सीधे, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर तुरंत फोटो के भेजिएगा। ओके, आप यहाँ देखो, जब फोटो भेजोगे तभी तो मुझे पता चलेगा किस और यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया करो, ताकि मैं आपको तुरंत उसके बारे में बता दिया करूँ कि भाई ये यूनिवर्सिटी में इतना फंसा था, समझ रहे हो? यहाँ देखो अवस्थाएं, उनकी समस्याओं को देख, अवधारणाएं, उनकी समस्याएं कौन कौन सी आई थी, जाति को उत्पन्न करने में, ये क्वेश्चन आप याद करेंगे, वही क्वेश्चन बता रहा हूं 2022 के न्यू मॉडल पेपर के आधार पर, समझ रहे हैं? बस कुछ नहीं पढ़ना, और जिसमें ये जो फालतू मैंने क्वेश्चन लिखा रखे हैं वो उसको छुड़वा दूंगा, वही पढ़ना है जो पेपर में आ रहा है। उसके बाद में देखो संयोजक, यहां देखो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, संयोजक कड़ियों के परमाणु द्वारा जैविक विकास, तो जैविक विकास कैसे हुआ था, तो सबसे ज्यादा आपसे ये पूछता है कि जैविक विकास जो हुआ था, ठीक है, वो संयोजक कड़ियों के परिमाण के आधार पर हुआ था, तो एक्सप्लेन करना है भाई भाई, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, देखो एक रेप्टिलियन के लक्षण देख लेना, ये क्वेश्चन आपसे आता है, और एवियन के भी लक्षण आपसे पूछ लेता है, तो हो यदि नोट्स में आपके ये क्वेश्चन दिया हो तो पढ़ लेना, ना दिया हो तो छोड़ देना, ठीक है, मैं सीधी बात बता रहा हूं, जो नोट्स में दिया है वही पढ़ो, फालतू मत पढ़ो, ठीक है, और उसके जगह पे जो बता रहा हूं वही क्वेश्चन लगा दो, दीर्घ विकास देख लेना, ठीक है, माइक्रोवोल्यूशन के बारे में यहां बोला क्या है, देखो यहां बोला प्राणियों के भौगोलिक वितरण इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मोस्ट पे लगाता हूं उसको आपको अधिक बार फोकस देना है उस क्वेश्चन पे, ठीक है, और यह है मध्यजीवी महाकाल महाकल्प, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है महाकाल्प, ठीक है। चलो यहां देखिए लैमार्क बाद, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, लैमार्क बाद और डानबिर बाद, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैंने एक दिन पहले ही आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि भाई ये पढ़ के जाना, वही क्वेश्चन में आया 84% फंसा है, मतलब कि टॉपर बनने का राज आपको खुद पता है। यहां लैमार्क बाद आलोचना, नव लैमार्क बाद के बारे में बात करेंगे, डार्विन डार्विन आपकी आलोचना है, ठीक है, ये दोनों पढ़ लेना, और दोनों क्वेश्चन अभी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां देखिए ये क्वेश्चन को देखिए एक बार, ये है जैव विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने इंपोर्टेंट दिया था, और ये भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से यूपी के लॉन्च कर, मतलब कि आप बिलोंग करते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप बस यही क्वेश्चन पढ़ के जाइए, पेपर में 100% यही फंसेंगे। कुछ यार एक बार बताओ, एग्जामर क्या देगा? वही तो देता है जो आपको याद करने चाहिए, फालतू क्वेश्चन कोई देता है? मुझे बताओ यार, वही देता है जो आपको याद करना चाहिए, तो इसलिए वही याद करके जाओ। या अगर पीतक के आधार पर अंडों के वर्गीकरण, पीतक के आधार पर चूजे के बारे में, चूजा कैसे निर्माण करता है, चूजा का चित्र बनाइए, अंडे के अंदर चूजा कैसे निकलता है, ये आया था अभी, बताओ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, सोचो यार, तो बहुत ही पढ़ के जाओ। विदलन क्या होता है, ये क्वेश्चन बना था, वेरी शॉर्ट में बना था ये विदलन वाला, समझ रहे हो, तो इसको पढ़ के जाओ। शुक्राणु जनन देखो, ये वाला कहां क्वेश्चन फंसा था, देखो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं शुक्राणु जनन वाले में, ये युग्म जनन के बारे में आया था, और मैंने कहा था ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी देखो फंसा था। तो आप सभी किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपके पैसे पर क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, तो बस यही पढ़िएगा, कुछ मत पढ़ो, मैं आपसे बोल रहा हूं। अब यहां देखो युग्म जनन में दो पॉइंट आते हैं, एक होता है शुक्राणु जनन, एक आता है अंडाणु जनन, ये दोनों को याद कर लेना है। शुक्राणु जनन देखो यही मैंने दे दिया दोनों टॉपिक, यहां याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और याद देखो भ्रमण कलाओं को याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसकी उत्पत्ति कैसी होती है ये याद करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो ये देखो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीवाश्म में क्या होता है, ये तो लॉन्ग में बना था, ये लॉन्ग में 7.5 नंबर का क्वेश्चन बना था, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला, तो आप समझ सकते हो। तो बस यही पढ़ना है, बाकी कुछ मत पढ़ो, 100% आप पास होगे, गारंटी में खुद लेता हूं, ठीक है ना, याद रखना जो बता रहा हूं। यहां देखो जायगोट, यहां देख लेना है जरयूज का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन याद करके जाना है। मंद धारा को छोड़ देना है, जो जीवन की उत्पत्ति पर टिक लगा लिया। चलो नीचे यहां देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन के महत्व के बारे में पढ़ के जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेकल के पुनर्वृत्ति सिद्धांत का ये बारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला इसको मोस्ट पे लगा देना, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। उसके बाद में नीचे जाओ बेटा, आपको फेल करने वाला तुम्हें कोई पैदा नहीं है, इन क्वेश्चन को पढ़ के जाते हो, यूपी के अंदर तो कोई है नहीं। देखो आदि रेखा भी उसमें आई थी, आदि रेखा का मैंने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, ये भी क्वेश्चन उसी में पूछा गया था, आपके वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, जो बनता है जौनपुर में यूनिवर्सिटी है,
देख लो हम कहां हैं और वो कहां है, ये क्वेश्चन बना था, ठीक है, इसको आप याद करके जाइए। अपरन्यास क्या होता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में, ये भी क्वेश्चन बना था वहीं, ये भी क्वेश्चन जो बताए थे वही आए थे पूरे के पूरे, ये दो पूरा सारा क्वेश्चन फंस गया। ये क्वेश्चन देखिए यहां बोला गया है न्यूरल ट्यूब का निर्माण, आपको ये देख लेना है न्यूरल ट्यूब का निर्माण कैसे होता है, और न्यूरल ट्यूब का जब निर्माण होता है तो उसको हम न्यूरोजेनेसिस के भी बोलते हैं, न्यूरोजेनेसिस के बारे में ये अच्छी तरीके से रट के जाना, ये क्वेश्चन मोस्ट है जो आपके पेपर में छपेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और देखो ये बोला है नियंत्रण जो मानव है उसके गुण क्या होते हैं, ठीक है, और यहाँ एक्रोसोम, अभी के लिए इसको छोड़ दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मेंढक के टेटबोल लार्वा का कलांतर के बारे में याद करके जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अंडों की, ये है अंडों की, देखो ये है अंडों की वंशावली का वर्णन करना है, अंडों की वंशावली के वर्णन करना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए जीन म्यूटेशन क्या होता है, आप इसको पढ़ेंगे, अंडे के प्रकार पढ़ेंगे, चूजे का निर्माण कैसे होता है, देखो यह है चूजे का वर्धन, भ्रमण कलाओं का वर्णन, पूरा क्वेश्चन ये वाला, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर में आया था आपका वीर भारद्वाज पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में, ये बना था पैरिसोड क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन बना था कि चूजे का वर्धन का वर्णन किस प्रकार से होता है, आप चित्र बना के बताइए, ये क्वेश्चन आया था देख लो, इसलिए यही क्वेश्चन पढ़िए, बाकी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जो मैंने आपको बताए हैं वही क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये यूपी के आल यूनिवर्सिटी के सिलेबस वही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से अपने बुक को ओपन करिए, गैस पेपर को ओपन करिए और इन क्वेश्चनों को टिक लगाइए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, नोट्स को हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स का भी लिंक आपको कहां दे रखा बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में paperhacker.in सर्च करिए, या फिर और उसके नीचे चले जाइए, वहां भी नोट्स का लिंक मिल जाएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू, बाय बाय।